हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। एस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं फरवरी मंथ का करंट अफेयर, और ये हमारा पार्ट सेकंड होगा। पार्ट फर्स्ट हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया हुआ है, तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं वीडियो। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके साथ साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, टिकटॉक और ट्विटर पे भी आप हम लोग फॉलो कर सकते हैं। तो इसी के साथ चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपके मंथ के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम, जैसे RBI मेंस के एग्ज़ाम, SBI मेंस और बिहार दरोगा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चीन ने जिस देश की एंटीवायरल प्रायोगिक दवा रेडिसियर का पेटेंट के लिए आवेदन किया है, तो ये कौन सा देश है जिसने आवेदन किया है? तो इस देश का नाम है अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, जिस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में घोषणा की है कि कावेरी डेल्टा क्षेत्र को संरक्षित विशेष कृषि क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाएगा? तो ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने ऐसा घोषणा किया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने जिस देश के चितेत्सु वातानावे को दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित व्यक्ति घोषित किया है? तो ये जापान के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, वह राज्य जिससे ताल्लुक रखने वाले तीन आदिवासी समुदाय परिवार तलवार और सिद्धि को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने के प्रावधान वाले संविधान संशोधन विधेयक बिल 2019 को हाल ही में लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया? तो ये कर्नाटक के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम का निर्माण कहाँ किया गया जा रहा है, और इसमें डोनाल्ड ट्रंप द्वारा फरवरी 2020 के अंतिम सप्ताह में इसका उद्घाटन किया जाएगा? तो ये गुजरात में किया जा रहा है, और ये गुजरात के अहमदाबाद में इसका उद्घाटन किया जाएगा। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है 23 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है भारत में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 12 फरवरी 2020 को जिस देश के लिए एक प्रस्ताव पारित करके दीर्घकालिक संघर्ष विराम की अपील की है? ये लीबिया है। ग्रीन पीस की रिपोर्ट के अनुसार वाहनों में प्रयोग होने वाले जीवाश्म ईंधन से होने वाले वायु प्रदूषण से जिस देश का सालाना 10.7 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है, तो ये भारत का है। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन कानून CAA के खिलाफ हाल ही में प्रस्ताव पास करते हुए जो राज्य ऐसा करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो ये पुडुचेरी है। हाल ही में केंद्र सरकार ने तीन सरकारी बीमा कंपनियों में कितनी राशि निवेश करने हेतु मंजूरी दे दी है? 2500 करोड़ के लिए मंजूरी दे दिया है केंद्र सरकार ने। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने किस शहर में नशीली दवाओं की तस्करी पर रोक लगाने हेतु बिम्सटेक सम्मेलन आयोजन किया गया है? तो ये नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी को 2019 का सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी चुना है? तो ये इनका नाम है मनप्रीत सिंह। हरियाणा सरकार ने पढ़ने की आदतों को बढ़ावा देने हेतु हाल ही में किस अभियान की शुरुआत की है? इस अभियान का नाम है रीडिंग मिशन हरियाणा। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने हाल ही में किसे एयर इंडिया का चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? राजीव बंसल को एयर इंडिया का मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सरकार जिसने हाल ही में जल जीवन मिशन के लिए केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक मदद के मानदंडों में बदलाव की मांग की है? तो ये राजस्थान है। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदल कर रख दिया है, तो इसका नाम बदल कर रख दिया गया है सुषमा स्वराज भवन।
अगला क्वेश्चन है, वह राज्य जिस सरकार जिसने क्लीन कृष्णा गोदावरी कैलाश मिशन एवं प्लास्टिक विरोधी अभियान के तहत कृष्णा नदी से निकलने वाली नहरों की सफाई हेतु मन कृष्णा अभियान लॉन्च किया है, तो ये आंध्र प्रदेश ने इस मिशन को लॉन्च किया है। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 12 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य के लोनावला में भारतीय नौसेना के INS शिवाजी को प्रेसिडेंट कलर्स प्रदान किया है? तो ये महाराष्ट्र को प्रदान किया है। वह देश जिसने हाल ही में भारत को एकीकृत वायु सुरक्षा हथियार प्रणाली बेचे जाने की मंजूरी दी है, अमेरिका ने मंजूरी दिया है। वह राज्य जिसके द्वारा घटते भूजल स्तर को सुधारने के लिए भूजल संरक्षण विधेयक 2020 को मंजूरी प्रदान की गई है, उत्तर प्रदेश में ये मंजूरी प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक उपक्रम सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार किस अवधि में सबसे अधिक मुनाफे वाली कंपनी का नाम है ONGC? केंद्र सरकार द्वारा जारी घोषणा के अनुसार नए 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होंगे? वित्त सचिव के, भारत के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होंगे। WHO द्वारा कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम क्या रखा गया है? COVID-19 रखा गया है। वह दिन जब प्रत्येक वर्ष विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है, 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने अपने दल झारखंड विकास मोर्चा का विलय भाजपा में करने की आधिकारिक सूचना दी है, तो ये बाबूलाल मरांडी। वह अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसने स्टेप विथ रिफ्यूजी अभियान आरंभ किया है, तो UNHCR। वह क्षेत्र जिसे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में संरक्षित विशेष कृषि क्षेत्र घोषित किया गया है, कावेरी डेल्टा क्षेत्र को घोषित किया है। किस राज्य में महात्मा गांधी लोक प्रशासन संस्थान एवं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नमेंट ने ई गवर्नेंस सेवाओं पर क्षमता निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो पंजाब ने हस्ताक्षर किया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व भर में जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस मनाया जाता है, तो 10 फरवरी को मनाया जाता है, जिसे हाल ही में FIH द्वारा 2019 का सर्वश्रेष्ठ उदीयमान महिला खिलाड़ी चुना गया है, लालेरियामा। RBI की मौद्रिक नीति समिति ने वित्त वर्ष 19-20 के लिए अपनी अंतिम द्विमासिक नीति समीक्षा बैठक में रेपो रेट दर को कितना प्रतिशत बनाए रखने का निर्णय किया है? 5.15%। पहली बार जिसने पहली नॉन इंग्लिश फिल्म को ऑस्कर 2020 के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है, इसका नाम है पैरासाइट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जिस राज्य द्वारा पेश किए गए बजट में यह घोषणा की गई है कि 3 महीने में 75 यूनिट तक की बिजली खपत करने वाला मुफ्त बिजली दी जाएगी, तो ये राज्य है पश्चिम बंगाल। सूर्य के ध्रुवों की सबसे पहले तस्वीर लेने वाले सोलर ऑर्बिटर अंतरिक्षयान जिस देश में लॉन्च किया गया है, ये है अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जिस राज्य ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना लॉन्च किया है, हरियाणा ने ये लॉन्च किया है योजना जिसका नाम है मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। अगला क्वेश्चन, वह दिग्गज क्यू खिलाड़ी जिसने विश्व चैंपियन पंकज आडवाणी को फाइनल में 6-2 से हराकर राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली है, तो इसका नाम है आदित्य मेहता। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वह राज्य सरकार द्वारा CAFL एवं फिलामेंट बल्ब की जो बिक्री है वो पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, ये है केरल सरकार ने ऐसा घोषणा किया है। भारत और इंग्लैंड के बीच किस नाम से 13 फरवरी 2020 से संयुक्त उद्योग अभ्यास का आरंभ किया जा रहा है? तो इसका नाम है अजय वारियर। भारत रक्षा अनुसंधान संगठन द्वारा 200 किलोमीटर तक मार करने वाली जिस मिसाइल का सेना एवं वायु सेना के लिए तैयार किया जा रहा है, तो इसका नाम है प्रनाश। प्रनाश इसका नाम है और ये DRDO के द्वारा बनाया जा रहा है।
पहला गिर मिटिया नामक उपन्यास के लेखक का नाम क्या है जिसने हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका नाम है गिरिराज किशोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जो दक्षिण अमेरिका में सबसे ऊंचे पर्वत माउंट आकोनगुआ पर चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र की लड़की बन गई है, इनका नाम है काम्या कार्तिकेयन। उस प्रवासी भारतीय वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसकी अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार की जा रही है? तो इनका नाम है S.S. वासन। ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? मुंबई में इसका आयोजन किया जा रहा है। जिस देश की क्रिकेट टीम में 2020 में पहली बार अंडर-19 विश्व कप जीता है? इसका नाम है बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, वह राज्य सरकार जिसने प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने हैं तो 15 साल से पुरानी सरकारी डीजल वाहनों की परिचालन पर पूरी तरह रोक लगा दिया है, ये है बिहार में ऐसा किया है। पाकिस्तान ने किस तेज गेंदबाज ने टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले दुनिया के सबसे युवा गेंदबाज बन गए हैं? तो इनका नाम है नसीम शाह। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भारतीय बैडमिंटन कोच को 2019 को कोच लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अवार्ड से सम्मानित किया है, इनका नाम है पुलेला गोपी चंद। जिस हाल ही में ऑस्कर 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो इनका नाम है वाकिन फिनिक्स, वाकिन फिनिक्स। अगला क्वेश्चन है, तो ये हमारा सारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है, ये हमारा फरवरी मंथ का पार्ट सेकंड था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।